सो हेलो गाइज वेलकम पन एशिया आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं यूजीसी के जितने भी एस्पेरेंट्स हैं पेपर वन यहाँ पे कवर अप करेंगे हम यूजीसी का जिसमें आईसीटी सेक्शन जो है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें जो कंप्यूटर वाला पार्ट आपका रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसी कंप्यूटर वाले पार्ट की सीरीज़ यहाँ पे हम लेके आए हैं इस सीरीज़ में हम आपके जो आई है यूजीसी का पार्ट पेपर वन का उसमें सारा सिलेबस आपके लिए कवरअप करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं इसकी फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे नए व्यूअर्स हैं वो लाइक कर दीजिए यहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जिन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के बारे में ये सभी यहां पे डिस्कस करेंगे तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जो तो पहले हमारे पास है यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मींस कैलकुलेट तो ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये आता है एक कंप्यूट से जिसका मतलब है किस चीज को कैलकुलेट करना एंड देर बाय अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन स्पीड और ये कंप्यूटर को जल्दी से जल्दी करना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को जिसको ह्यूमन माइंड थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू कंप्यूटर सो उनको जल्दी से यहां परफॉर्म करवाना विद एक्सी एंड स्पीड एंड अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा वेन एवर इट नीडेड तो हम यहां पे कंप्यूटर को साथ ही साथ यहां पे डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं यहां पे डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं और साथ ही हम डाटा को यहां पे कब भी चाहे उसको रिट्रीव कर सकते हैं उसको वापस बुला सकते हैं जब तक आपने उसको डिलीट ना किया हो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा एक जो ऑपरेशन है फीचर है करेक्टर है वो है यहां पे डाटा को प्रोसेस करना देन व्हाट मीन डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है इस पूरी चीज का तो यहां पे हमारा कंप्यूटर क्या करता है हम कंप्यूटर को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं डाटा उस डाटा को हम इनपुट डिवाइसिस के थ्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं देन कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करता है एंड एंड में आपको एक मीनिंगफुल ऑपरेशन या मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है उसको यहां पे आपको प्रस्तुत करता है आपके लिए प्रेजेंट करता है दिस इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर का तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट यहां पर सो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के करेक्टर का तो एक बड़ा जो करेक्टर था वो था आपके पास डाटा प्रोसेसिंग अब बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ और करेक्टिस्टिक्स जिनका यहां पे बहुत योगदान है कंप्यूटर के जन्म के लिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सो ऑटोमेटिक सो व्हाट का मतलब क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम हर एक चीज को ऑटोमेटिकली प्रेजेंट यहां पर कर लेता है सो so, यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं बट ऑटोमेटिकली यहां पर दरवाजा खोला जा रहा है एंड प्लस गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन तो आप अगर कंप्यूटर सिस्टम को किसी चीज के लिए प्रोग्राम कर दें तो आप उसको कोई अगर कोई चीज देंगे तो वो अपने आप उसको प्रोसेस कर लेगा ये भी एक तरह का कंप्यूटर भी है जो कि आपके सामने आते ही डोर को यहां पे ओपन कर दे रहा है दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक एंड देन नेक्स्ट की बात करते हैं फीचर की तो स्पीड स्पीड बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर की इसी कारण हम नहीं यहां पर आप देख सकते हैं स्पीड सो स्पीड बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर सिस्टम की सो कंप्यूटर कैन फॉर्म डाटा प्रोसेसिंग जॉब वेरी फास्ट यूजली मेजर्ड इन अगर हम माइक्रो सेकंड की बात करें तो 10 से लेके 6 के बीच में अगर हम बात करें नैनो सेकेंड्स की तो 10 से लेके 9 के बीच में अगर हम बात करें पीको सेकंड की तो वो 10 से लेके 12 के बीच में ये कंप्यूटर सिस्टम की कुछ खास विशेषताएं हम यहां पर बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर देन नेक्स्ट की बात करें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है कंप्यूटर सिस्टम में यहां पे ह्यूमन बाइंड भी कई बार यहां पे मिस्टेक कर देता है पर कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता इट्स ऑन द डाटा आपने क्या रॉ मटेरियल दिया है आपने कैसे उसको प्रोसेस किया है या फिर आपने कैसे उसको प्रोग्राम किया है उसी अनुसार कंप्यूटर की एक्यूरेसी यहां पे बनाई जा सकती है तो accuracy, देखो कितने एक्यूरेटली यहां पे इसको यहां पे किया जा रहा है तो यस yes, कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिस्टेंटली हाई एंड द डिग्री ऑफ इट्स एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स डिजाइन उसके डिजाइन के ऊपर वैरी करता है कि कितना वो एक्यूरेट होगा कंप्यूटर एंड प्लस कंप्यूटर एरर्स कॉज ड्यू टू इनकरेक्टेड इनपुट डाटा जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप उसको एक अच्छा डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर आपको उसको प्रॉपर डाटा नहीं देंगे तो वो भी प्रॉपरली उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो इसे हम कहते हैं इस चीज को पूरी कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट गार्बेज इन एंड गार्बेज अगर आप उसको कूड़ा देंगे तो कंप्यूटर भी आप आपको कूड़ा ही देगा आपको प्रोफेस इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा कंप्यूटर so की बात करते हैं डेलीजेंसी इट मीन की तो कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं है कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं है जैसे आप देख सकते हो ये तो चलो ह्यूमन बींग है पर कंप्यूटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है वो अभी थक नहीं रहा है लगातार बस उसकी जो पावर बैटरी सोर्सेस है वो लगातार यहां पर तो कंप्यूटर भी लगातार काम करता रहेगा बस उसे थोड़ा सा कूल डाउन करके रखना होता है तभी सभी कंप्यूटर सिस्टम्स को ए वाले रूम्स में यहां पर इंस्टॉल किया जाता है तो कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम एनिटॉमी टाइडनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एर एंड विदाउट क्रैम्पलिंग बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कंप्यूटर सिस्टम को पावर आउटेज नहीं होना चाहिए पावर लगातार मिलनी चाहिए और रूम कूल डाउन रहना चाहिए टेम्परेचर थोड़ा कम रहना चाहिए तो चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट यहां पर फीचर है बट सैलिटी वट डज इट मीन यहां पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा टास्क एक टाइम पे कर सकता है ये उसकी खासियत है आप ये नहीं कि कंप्यूटर से एक चीज करवा सकते हो आप एक टाइम पे बहुत सी ऐसी चीजें उसको प्रोग्राम करके करवा सकते हो हालांकि यहां पे एक यही क्वेश्चन बनता है कि यहां पे आपने उसको प्रोग्राम कैसे किया हुआ है इफ यू हैव प्रोग्राम योर कंप्यूटर विद सेवरल अदर डिवाइस ऑल्सो देन इट कैन डू सर्टन वर्क एंड जॉब्स एट वन टाइम ऐसी एक कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की तो so, जिस तरह से यहां पे इन बॉल्स को उछाला अलग अलग बॉल्स को एक टाइम पे कैच किया जा रहा है और उछाला जा रहा है उसी तो प्रकार से कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अन्फ्रेंट सीरीज ऑफ लॉजिक स्टेप्स अगर आप टास्क को लॉजिकली बाइवरगेट करके उसको स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी हो जाएगी कंप्यूटर के लिए टास्क करने के लिए तो इसीलिए कंप्यूटर किसी भी चीज को यहां परफॉर्म कर सकता है ऑल यू हैव टू डू जस्ट प्रोसेस इट एंड प्रोग्राम इट देन बात करते हैं जो नेक्स्ट यहां पे फीचर है पावर ऑफ रिमेंबरिंग पावर ऑफ रिमेंबरिंग बहुत ज्यादा हाई रहने वाली आप देख सकते हैं पावर ऑफ रिमेंबरिंग सो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी यहां पे हम ये भी बात करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज के बारे में भी तो आप अगर अपने कंप्यूटर सिस्टम की सेकेंडरी में कोई चीज को स्टोर करके रखते हैं और उसको डिलीट नहीं करते हैं तो यहां पे वो बरकरार रहेगी आपके कंप्यूटर में और यहां पे एक ये भी क्वेश्चन है कि साथ में बस आपके कंप्यूटर की ड्राइव यहां पे क्रैश नहीं होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की ड्राइव यहां पे प्रॉपर होनी चाहिए फिर आप चाहे जितना मर्जी लंबे टाइम के लिए लंबी ड्यूरेशन के लिए अपना डाटा उस डाटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं सो इट फॉरगेट्स एंड लूजेज सर्टन इंफॉर्मेशन वेन एवर इट इज आज टू डू दैट सो so, अगर आप डिलीट नहीं करते इंफॉर्मेशन को तो कंप्यूटर को भी उसे अपने आप में स्टोर करके रखेगा उसको डिलीट नहीं होने देगा और आप जब चाहे उसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के आईक्यू की अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के आईक्यू की तो आपके सामने है आईक्यू तो क्या कंप्यूटर सिस्टम में कोई आईक्यू होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी आईक्यू लेवल नहीं होता है जीरो आईक्यू है कंप्यूटर की सो कंप्यूटर डज वट इट इज प्रोग्राम टू डू एंड इट कैनॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिकॉर्ड तो कंप्यूटर को जो प्रोग्राम किया जाता है उसी के अनुसार वो अपने पूरे काम करता है प्रोसेसिंग करता है अगर आप उससे बिना प्रोग्रामिंग के कोई और चीज को करवाना चाहें तो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा तो इसी से पता लगता है कि कंप्यूटर अपने आप खुद के डिसीजन नहीं ले सकता कंप्यूटर सिस्टम को जिस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है वो उसी प्रोग्राम यहाँ पे डिसीजन लेता है और काम को कर पाता है उसका अपना कोई खुद का दिमाग नहीं है इसलिए जीरो आईक्यू लेवल फॉर द कंप्यूटर याद रखिएगा इसको नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या कंप्यूटर सिस्टम में कोई फीलिंग होती है नो कंप्यूटर सिस्टम हैव एनी फीलिंग कोई फीलिंग नहीं होती है कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर आर डिवाइड ऑफ इमोशंस देयर जजमेंट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन बाय अ ह्यूमन बीइंग तो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती है एक ह्यूमन प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम करेगा उसमें कोडिंग करेगा उसी के अनुसार वो अपना काम करेगा और उसको कोई भी फील यहां पे नहीं होती है सो नो फीलिंग्स देन मूविंग फॉरवर्ड बात करें अगर हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन की कंप्यूटर की हिस्ट्री की किस तरह से आज के कंप्यूटर यहां पर आपके सामने आए और पहले जो कंप्यूटर थे अर्ली टाइम में वो किस तरह से दिखने में थे तो सबसे पहले बेसिक पास्कल जो है इन्होंने इन्वेंट किया फर्स्ट मैकेनिकल एडिशन मशीन ये हुई 1642 में इन्होंने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था हम कहे इन्वेंट किया था देन इसके बाद चार्ल्स बेबेज आए चार्ल्स बेबेज एंड इस द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर पर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कि ये हैं फादर जनक मॉडर्न डे कंप्यूटर के एंड ये जो कंप्यूटर लेके आए थे दैट वॉज ही डिजाइंड अ डिफ्रेंस इंजिन इन्होंने एक डिफेंस इंजन को डिजाइन किया था 1822 में और उसके बाद 20 साल बाद इन्होंने इसको और ज्यादा डेवलप किया आगे बढ़ाया उसको एन फोर्टी तक एक और अच्छा कंप्यूटर यहां पे उन्होंने पेश किया था ही अ फुली ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन इन 1842 एक फुली ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन इन्होंने 1842 में यहां पर इन्वेंट किया था परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी हाई थी एंड बेसिक्स ऑफ दीज कंप्यूटर यही कंप्यूटर रहे चार्ल्स बैबेज की जो कि आगे चलकर एक ब्लू प्रिंट रहे आने वाले कंप्यूटर सिस्टम्स के जो आज के टाइम में हम कंप्यूटर देख रहे हैं सो इज अ नंबर ऑफ दैट आर फंडामेंटल टू द डिजाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर नाउ अडेज तो आज के टाइम पे जो आप कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं वो इसी ब्लू प्रिंट निर्धारित है नाम याद रखेंगे चार्ल्स बेबेज का जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं और बेसिक पासर का जो कि एक मैकेनिकल एडिशन मशीन यहाँ पे लेके आए थे तो चलिए देखते हैं इनकी कि इन्वेशन किस तरह में दिखने में थे तो सबसे पहले आपके सामने है मैकेनिकल एडिंग मशीन ये लेके आए थे बेसिक पास्कल जी एंड देन इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो चार्ल्स बेबेज का जो डिफेंस इंजन है इस तरह से वो बहुत भारी बरकम एक कमरे के बराबर ये डिफेंस इंजन था और बहुत यहां पे कंज्यूम करता था और ऑटोमेटिक यहां पे एल्गोदम्स को यहां परफॉर्म किया जाता है तो इन कंप्यूटर्स का काम क्या था बस यहां पे कैलकुलेशन के लिए इनको यूज किया जाता था देन मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं सो अर्ली कंप्यूटर की जो बात करें जो जो अर्ली हम देख सकते हैं कंप्यूटर के पहले जो वर्जन हैं कौन कौन से वर्जन थे जो कि बहुत ज्यादा यहां पे हाईलाइटेड भी थे सो द मार्क वन कंप्यूटर ये 1937 में आया था देन स्टैंड बेरी कंप्यूटर देन एडवैक एडसैक मैनचेस्टर मैक वन एंड यूनिवैक ये जो हैं ये अर्ली कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित थे उस टाइम बहुत ज्यादा मॉडर्न कहा जाता था उस टाइम इन कंप्यूटर्स को तो चलिए किस तरह दिखने को दिखते हैं कंप्यूटर तो ये है आपके सामने द मार्क वन कंप्यूटर 1937 में आया था इसको डबल फोर भी कहते हैं साथ में मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे, यहां पे इसकी डेवलपमेंट चलती रही थी नेक्स्ट हमारे पास अर्ली कंप्यूटर था यहाँ पे दैट वॉज इनैक इनैक की आपको यहां पर फॉर्म जरूर याद रखनी है इनैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये 1943 के दौरान यहां पे इन्वेंट uh, किया गया था इसको देन मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं जो नेक्स्ट यहां पे कंप्यूटर सिस्टम है अर्ली दैट इज एडवैक एडवैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1946 टू 53 देन मूविंग फॉरवर्ड यहां पे बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे ने पास दिस इज एडसैक

ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड इट वॉज इन इसकी इन्वेंशन हुई थी तो ये थे अर्ली जो है चाहे ईयर को आप यहां कंसीडर ना करें बट फुल फॉर्म को जरूर यहां करेंगे अपने एग्जाम्स में कंप्यूटर जनरेशन की क्या मतलब है किस तरह जनरेशन को यहां पे बाइफरगेट किया जाता है कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जो कि एक नया यहां पे पहलू या फिर नया एक चैप्टर स्टार्ट कर दे किसी जनरेशन में तो उसे हम नेक्स्ट जनरेशन का यहां पे एक दर्जा देते हैं सो जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक्स अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी एक स्टेप टेक्नोलॉजी में जब हम आगे बढ़ते हैं इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री टिल टूडे देर आर फाइव कंप्यूटर जनरेशन तो आज के टाइम पे आज तक यहां पर फाइव कंप्यूटर जनरेशन देखी गई है और फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है इन प्रोसेसिंग तो सिक्स तो भी आने वाली है नजदीक ही है तो चलिए बात करते हैं जनरेशन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से लेके 56 तक रही तो पहली जनरेशन में एक चीज आप यहां पे देख रहे होंगे बहुत ध्यान से देखिए इनको ये है वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स हैं तो यहां पे खास बात क्या थी द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मकेनिक लैंग्वेज वैक्यूम ट्यूब्स एंड मकेनिक लैंग्वेज याद रखेंगे मकेनिक लैंग्वेज थी और साथ में क्या यूज हो रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स डाटा इंस्ट्रक्शन दिस कंप्यूटर वो लार्ज इन साइज बहुत बड़े थे साइज में लार्ज साइज याद रखेंगे एंड प्लस इनकी प्रोग्रामिंग भी बहुत डिफिकल्ट थी जो ये मैकेनिकल प्रोग्रामिंग है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन बहुत, बहुत ज्यादा करते थे अब इतने बड़े जो ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा यूज होगी अब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और साथ में ये साइज में भी बड़े होते थे एंड सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर एनियक एडवेक एंड यूनिवेक जो आपको मैंने पहले भी अभी दिखाए थे देन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट बात करें इसके बाद जनरेशन जनरेशन जब आती है है में जो अपलिफ्टमेंट होती है, यहां पे हम वैक्यूम ट्यूब्स को यहां पे रिप्लेस कर देंगे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह कौन ले लेगा ट्रांजिस्टर अब ट्रांजिस्टर देखने में थोड़ा छोटा है वैक्यूम ट्यूब से तो इसने बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स की इस एक ट्रांजिस्टर ने जगह यहां पे कंज्यूम कर ली सो so,

जनरेशन और इसी में ही पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिवेलप किया गया था सेकेंड जनरेशन में देन हमारे पास है थर्ड जनरेशन तो थर्ड जनरेशन को ध्यान से देखेंगे यहां पे अब ट्रांजिस्टर्स को किसने यहां पे रिप्लेस कर दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने तो देखिए एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बहुत से ट्रांजिस्टर यहां पे फिट हो जाते हैं एक ही बार में सो द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेसेस द ट्रांजिस्टर विद द इंटीग्रेटेड सर्किट इसको की हम आईसी भी कहते हैं एंड फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं विद हंड्रेड ट्रांसिस्टर्स पर चिप तो दस से यह हंड्रेड ट्रांसिस्टर तक पहुंच गया था एंड दीज कंप्यूटर वॉज स्मॉलर फास्टर मोर रिलायबल एंड देवर हाई लेवल लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये पहली बार यहीं पे ही जनरेट की गई थी इन्वेंट की गई थी इस जनरेशन में तो वो पहली बार इसी यहां पे जनरेशन में उसको डेवलप किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज देन बात करते हैं जो यहां पे फोर्थ जनरेशन है सो फोर्थ जनरेशन की हम बात करें सो फोर्थ जनरेशन इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव टू नाइनटीन एटी नाइन तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट इसको देखा गया जहां पे जो कंप्यूटर्स हैं उनको घर घर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा यहां पे सहायता की यहां पे जो हमारी यहां पे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स हैं सो सबसे पहले एल एस आई एंड वी एल एस आई एल एस आई स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर वूज इन दिस जनरेशन एज अ रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर केम इन टू एग्जिस्टेंस तो यहां पे इंटीग्रेशन की वजह से माइक्रो प्रोसेसर का यहां पे इन्वेंशन किया गया डेवलपमेंट किया गया एंड द कंप्यूटर यूज इज द टेक्नोलॉजी नोन टू बी माइक्रो कंप्यूटर्स एंड हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड देयर इज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द डाटा कॉम्युनिकेशन तो इसकी वजह से ये जो आप देख सकते हैं इंटेल की वजह से इंटेल की जो ये माइक्रो प्रोसेसर है और घर घर यहां पे पहुंचाने की कोशिश की जो यहां पे फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर सिस्टम की जो यहां पे फिफ्थ जनरेशन की तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके सामने है ये नाइनटीन नाइनटीज में स्टार्ट हुए एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहां पर ए आई आ गया यहाँ पे ए आई ये स्टेप एक फॉरवर्ड था जैसे हम देखा हर एक पार्ट में वैक्यूम ट्यूब यहां पर हमारे ट्रांजिस्टर्स देन इंटीग्रेटेड सर्किट देन माइक्रो प्रोसेसर एंड देन नाउ ये जो डेवेलपमेंट है ए आई की डेवेलपमेंट होनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट uh, होनी यहाँ पे वॉइस रिकोग की यहाँ पे डेवलपमेंट होनी इसका यूज किया जाना देन आपकी फेस रिकोगशन आपकी आईबॉल स्कैनिंग आपके फिंगरप्रिंट का यहाँ पे यूज होना ये सभी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है और यही कारण था फिफ्थ जनरेशन का यहाँ पे आने का सो द यूज ऑफ पैरलर प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इन हेल्पिंग इन मेकिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी और ये जो यूज हुआ यहाँ पे पैरलर प्रोसेसर्स का यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं अपने आई स्कैन करवा सकते हैं फेस जो आपकी रिकोगेशन ऐसी जो सभी चीजें हैं इनके जरिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे पॉसिबल हो पाई और फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे चल रही है इसके टाइम पे बेसिक्स की बात करें कंप्यूटर सिस्टम की तो बेसिक्स क्या क्या है कंप्यूटर सिस्टम के सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट दे जाती है कंप्यूटर सिस्टम स्टोरिंग करता है कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सभी हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक यहाँ पे फॉर्मेंस हैं है, जो परफॉर्म की जाती हैं जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म किया जाते हैं बाय अ कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट जो भी आप प्रोसेस यहां पे करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को डालने को आप क्या कहलाते हैं इनपुट देन नेक्स्ट है यहां पे स्टोरिंग सेविंग डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग देम रेडिली अवेलेबल फॉर इनिशियल और एडिशनल प्रोसेसिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड उसको हम कहते हैं स्टोरिंग तो डाटा जब आप उसको इनपुट करने को, उसको स्टोर करते हैं

देन मूविंग फॉरवर्ड यहां पे बात करेंगे आउटपुट की तो जब एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग कर लेता है तो आपको जैसे पता है कंप्यूटर सिस्टम की जो लैंग्वेज क्या है Bilingual. जो कंप्यूटर सिस्टम वो क्या है वो जीरो और वन के बीच में बात करता है उसके लिए और कोई अक्षर यहां पर नहीं है तो जब वो प्रोसेसिंग कर लेता है आंसर यहां पर निकाल लेता है उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो क्या करता है वो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ह्यूमन लैंग्वेज के साथ ताकि आपके लिए कंफर्टेबल एक लैंग्वेज कंफर्टेबल इंफॉर्मेशन यहां पे जनरेट करके आपको उसको दिखाता है आउटपुट देता है चाहे वो स्क्रीन के जरिए हो चाहे वो फैक्स के जरिए हो चाहे वो स्पीकर्स के जरिए हो उसे हम क्या कहते हैं आउटपुटिंग एंड देन इसके बाद में एंडिंग में आता है कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो हम डायरेक्टिंग देखते हैं सो डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द अबव

ए एल यू में जाता है एएल यू एन सी यू में यहां पे इसको हम सीपी यू भी कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और यहां से डाटा को स्टोर करने के बाद वापस यहां पे भेजा आता है प्रोसेस करने के बाद और यहां से फिर आउटपुट लिया आता है इंफॉर्मेशन के मैनर में देन यहां पे हम बात करते हैं जो आपके डिवाइसेस हैं जैसे इनपुट डिवाइस आपके सामने हैं कीबोर्ड माउस माइक्रोफोन टच स्क्रीन लाइट पेन वेब कैम ये क्या है एक लाइट पेन है तो यहां से लाइट पेन से क्या लिख सकता हूं दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस इनपुट जा रहा है कंप्यूटर को देन आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर सी डी एंड डीवीडी एंड देन हम बात करें स्टोरेज की तो फ्लैश ड्राइव ऑप्टिकल लोकल मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क यह आपके स्टोरेज डिवाइस जो आप यूज करते हैं एंड देन है आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे मदर uh, बोर्ड प्रोसेसर रैंडम एसेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं देन स्विच मोड पावर सप्लाई ये हैं आपके बेसिक जो है कंप्यूटर के डिवाइसेस देन हम इसके बाद बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की जो हम मैंने आपको पहले बताए इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड जो हम यहां पे टाइप करते हैं चीजों को जो हम यहां पे फीड करते हैं चीजों को कंप्यूटर को वो चीजें इनसे ही होकर जाती है इनका क्या काम है जो हमारी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको देना

कैमरा है देन ये वेब कैम है माउस एंड देन कीवर्ड, ये सभी डिवाइस आपके इनपुट डिवाइस है इसके बाद हम अगर बात करें आउटपुट डिवाइस की तो आउटपुट डिवाइस आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन सबसे पहले आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स, आपकी जो प्रोजेक्टर है जो कि एक वीडियो प्रेजेंट करता है आपकी फैक्स मशीन या फिर आपकी प्रिंटिंग मशीन ये सभी चीजें क्या है

ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म और उसे हमें दिया जाता है देन इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड तो ये है काम एक आउटपुट डिवाइस के बात करें हम स्टोरेज यूनिट की तो स्टोरेज यूनिट जो है वो क्या करता है यहां पे तो आपके सामने जो है मेमोरी कार्ड हार्ड ड्राइव फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क जो आप देख सकते हैं सी एंड देन यह क्या करता है जो हमारा स्टोरेज यहां पर यूनिट है डाटा इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज। तो डाटा इंस्ट्रक्शन जो है जो डिवाइस को चलाने के लिए प्रोग्राम को चलाने के लिए यहां पर रखे जाते हैं वो डाटा स्टोरेज में ही रखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर अपना काम कर पाए प्रोग्राम कहां पे रखेंगे आप कंप्यूटर का डाटा के डिवाइस के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है उनके अंदर यहां पर स्टोर रखेंगे देन इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ये भी यहां पर स्टोर किया जाते हैं फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस फाइनल रिजल्ट भी यहां पर स्टोर करके रखा जाता है जब तक वो आउटपुट डिवाइस को नहीं दिए जाए सो so, दो तरह की आपकी स्टोरेज होती है एक होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज देन इट इज सेकेंडरी स्टोरेज तो चलिए देखते हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज आपके सामने सो प्राइमरी स्टोरेज है यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है ये रनिंग प्रोग्राम्स को यहां पर होल्ड करके रखती है एंड ये जो आपकी जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो प्रोग्राम है जो प्रोसेसर है वो इसमें ही रखा जाता है प्राइमरी स्टोरेज में देन यूज टू होल्ड डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ द दोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब तो ये उसको रैम में हम रखते हैं जिसको हम कहते हैं हमारी प्राइमरी भी होती है हमारी रैम ये प्राइमरी मेमोरी भी आपकी देन ये बहुत फास्ट ऑपरेशन में ये स्मॉल कैपेसिटी की होती है बट ये एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में तो सेकेंडरी मेमोरी जो है इसमें बहुत सी आती है पेन ड्राइव है माइक्रो एस कार्ड है एस कार्ड है ऑप्टिकल डिस्क है सी है फ्लॉपी है ये सभी चीजें आपकी सेकेंडरी मेमरी या सेकेंडरी स्टोरेज में आती है सो यूजेस टू होल्ड स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूजेस टू होल्ड डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ जॉब स्लोअर देन द प्राइमरी स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी चीपर दैट प्राइमरी तो ये प्राइमरी जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उससे चीप होती है उससे

की जाती है कंप्यूटर सिस्टम में और आपको डाटा को प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है सो so, एक यहां पे वर्ड है आपके सामने कंट्रोल यूनिट सो कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द देशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम तो ये कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल रखता है प्रोसेस को कैसे यहां परफॉर्म किया जाए कौन पहले परफॉर्म करेगा कौन बाद में परफॉर्म करेगा और डाटा को किस फ्लो में यहां पर चलाना है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वर्ड जो यहां पे हमने यूज किए आज की वीडियो में दैट वॉज ए एल यू ऑक्सीजन स्टोरेज प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड देन सी यू स्टैंड कंप्यूटर यूनिट सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो तो आज हमने यहां पे कवर अप किया पेपर जो यूजीसी का पेपर वन है आईसीटी का पार्ट जो है उसमें उसका हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको यहां पे कवर अप किया एंड देन नेक्स्ट जो वीडियोज हैं उनमें हम जो आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट हैं वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए तब तक के लिए थैंक यू